प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री जयभान सिंह पवैया की बेटी को धमकी मिली है। जयभान सिंह पवैया की बेटी समीधा सिंह को अज्ञात शख्स ने पत्र भेजकर धमकी दी है। पत्र में धमकाने वाले ने लिखा है कि चेहरे पर तेजाब फेंक दूंगा, पिता को 2 महीने के अंदर मार डालूंगा। इस मामले को लेकर समीधा सिंह ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज की है। वहीं पुलिस अब धमकी देने वाले अज्ञात आरोपी की तलाश में जुट गई है। बता दें, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया की बेटी समीधा सिंह ग्वालियर के माधव कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। इसमें चूंकि एक महिला प्रोफेसर है, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि नवंबर माह में उनको किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस प्रकार से एसिड अटैक और उनके पिता को मारने की धमकी दी थी, और चूंकि उसके पीछे कारण लिखा था कि वो उसी संस्था में एक मैडम का विरोध करना बंद कर दे, अन्यथा इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। चूंकि ये मामला एडिशनल एसपी ईस्ट द्वारा जांच किया गया है, और जांच के आधार पर जनकगंज ने धारा 506, 507 के तहत कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज की गई है अज्ञात आरोपी के खिलाफ।